Hey guys, welcome to my channel Cosmetologist. I'm Deepti, your friend. I hope आपकी स्किन ग्लो कर रही होगी और आपकी हेयर शाइन कर रहे होंगे. Guys, मॉनसून सीजन आ गया है. हमारी स्किन को विटामिन सी की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है. तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप बाजार में जो महंगे महंगे विटामिन सी के सीरम्स लेते हैं 2000, 3000, 1500 उससे कम के तो मिलते नहीं है गाइस. अगर आप अच्छे ब्रांड के लिए जाओ तो गाइस आप एक अच्छे ब्रांड जितना इफेक्टिव विटामिन सी सीरम अपने घर में ही कैसे बना सकते हैं, चलिए देखते हैं. और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाइए, नीचे रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके ग्रे कलर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. और उसके बगल में जो बेल बनी है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप मेरी वीडियो बिना मिस किए देख पाएंगे. चलिए बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं. गाइस, सबसे पहले आपको लेना है एक लेमन यानी नींबू. और इस रेमेडी में आपको नींबू के रस का यूज नहीं करना. नींबू का जो छिलका है उसको ग्रेट करके, उसके जो पीला पार्ट है सिर्फ उसको ग्रेट करके निकाल लेना है और उसका हमें यूज करना है. अगर आप ये नहीं करना चाहते तो मैंने अपनी एक वीडियो में ऑरेंज पील पाउडर बनाना बताया था, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ऊपर लिंक पॉपअप हो गई है. और ये ऑरेंज पील पाउडर बना के हमेशा के लिए स्टोर करके रख सकते हैं. और इस रेमेडी को जितनी बार बनाना चाहते हैं आप उतनी बार बना सकते हैं. अगर आप लेमन ले रहे हैं तो उसको ग्रेट करके उसके छिलके को निकाल लें और उसे सेम इसी तरीके से यूज करें जैसे मैं ऑरेंज पील पाउडर को यूज कर रही हूँ. मैं 2 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर ले रही हूँ. अगर आप नींबू का यूज कर रहे हैं तो आपको भी 2 चम्मच लेमन का पील यानी छिलका यूज करना होगा. उसके बाद मैं उसमें एक छोटे बाउल से पानी डाल रही हूँ. एटलीस्ट आपको 1/2 ग्लास वाटर इसमें डालना है. इसे अच्छे से मिक्स कर देना है और 1 घंटे तक इसे स्टोर करके रखना है. गाइज, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि हम इसे बॉइल कर लेंगे तो ये प्रोसेस जल्दी हो जाएगी. गाइज, आप बॉइल करेंगे तो लेमन या फिर ऑरेंज के अंदर का जो विटामिन सी है वो इवेपोरेट होकर के निकल जाएगा और इस रेमेडी को बनाने का कोई भी सेंस नहीं रहेगा. तो आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं और आपको थोड़ी जल्दी है तो आप 1 घंटे बाद भी इसे यूज कर सकते हैं. 1 घंटे बाद इसे आपको अच्छे से छान लेना है और इसके अंदर का जो येलोइश या ऑरेंजिश वाटर जो भी आएगा आपको इसे निकाल लेना है. देखिए, इस तरीके से आपको इसका वाटर निकाल लेना है. अब दूसरे साइड आपको एक बाउल में एटलीस्ट 1 चम्मच ग्लिसरीन लेना है. आप किसी भी ब्रांड का ग्लिसरीन यूज कर सकते हैं. और हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल. आप किसी ब्रांड का एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं. आपको एटलीस्ट 1.5 से 2 चम्मच एलोवेरा जेल इसमें मिक्स करना है ताकि ये एक सीरम जैसी कंसिस्टेंसी में आ जाए और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है. उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा करके इसमें ये जो हमने वाटर निकाला था इसमें डालना है और मिक्स करते जाना है. गाइस, इसे आप मिक्स नहीं करेंगे तो इसमें बीच बीच में लम्स रह जाएंगे जो कि इसकी कंसिस्टेंसी को बेकार करेगा. तो गाइस, इसे अच्छे से मिक्स करते जाइएगा ताकि एलोवेरा जेल की जो थिकनेस है ना वाटर के साथ मिक्स हो जाए. इसे धीरे धीरे करके मिक्स करते जाइए और एटलीस्ट 1/2 बाउल तक इसे बना लीजिए. आप चाहे तो इसे और ज्यादा अमाउंट में बना करके स्टोर करके रख सकते हैं. और एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा गाइस, इसे स्टोर करने के लिए आप फ्रिज में ही रखिएगा, नहीं तो ये खराब हो जाएगा. अब चलिए गाइस, मैं इसके 3 तरीके बता रही हूँ. तीनों में से जो भी आपको इजी लगे उसे यूज कीजिएगा. आप चाहे तो इसे एक किसी भी डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं और एवरी डे नाइट में सोने से पहले फेस वॉश करने के बाद कॉटन बॉल की हेल्प से इसे अपने फेस पे डैब डैब करके लगा सकते हैं. और ऐसे लगाने के बाद इसे अपने आप सूखने के लिए अपने फेस पे छोड़ देना. गाइस, ये सीरम आपके फेस से डार्क स्पॉट्स को क्लियर करेगा, आपके पिगमेंटेशन से फाइट करेगा. आपके फेस में जितनी भी डार्क प्रॉब्लम है, वो कोलाज्मा हो, मेलाज्मा हो, पिगमेंटेशन हो, हाइपर पिगमेंटेशन हो, डार्क स्पॉट्स हो, एक्ने स्कार्स हो या किसी भी टाइप के स्कार्स हो, उनसे ये फाइट करेगा और उन्हें डीपली रिमूव करेगा. गाइस, दूसरा तरीका है, आप इसे किसी भी स्प्रे बॉटल में स्टोर करके रख सकते हैं, किसी भी टाइप के स्प्रे कंटेनर में. और बस आपको कुछ नहीं करना है, एवरी नाइट गाइस नाइट में इसका यूज करना है. ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है. एवरी नाइट आप सोने से पहले फेस वॉश करने के बाद इसे अपने फेस पे ऐसे स्प्रे कर लेना है और सूखने के लिए छोड़ देना है. सूखने के बाद साफ पानी से अपने फेस को वॉश करना है और बस सो जाना है बिना अपने चेहरे पे कुछ भी लगाए. गाइस, ये सीरम आपके फेस से ऑयल कंट्रोल करेगा. ऑयली स्किन के लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है. ये आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगा, स्पॉटलेस बनाएगा, रेडिएंट बनाएगा और बहुत ही ज्यादा ब्राइटन अप करेगा. आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा क्लियर बनाएगा. और गाइस, तीसरा तरीका है सीरम की तरह, किसी भी ड्रॉपर की हेल्प से आप इसे अपने फेस पे ऐसे डाल के अच्छे से मसाज करिए. गाइस, ये सीरम बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है स्किन कलर को लाइटन करने में. इसमें बहुत सारा विटामिन सी है जो कि नेचुरल है. जो बाजार में 1500, 2000, 2500 इतने महंगे महंगे विटामिन सी के सीरम्स आते हैं उनसे लाख गुना बेहतर, विदाउट एनी केमिकल, नेचुरली आप इसे यूज कर सकते हैं और अपनी स्किन टोन को ब्राइटन अप, लाइटन अप कर सकते हैं. तो गाइस, इसे यूज कीजिए. आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही होगी. इस रेमेडी को यूज कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा रिजल्ट मिला. और अगर आपको कोई ऐसे इश्यूज है जिसके पिक्चर्स या वीडियो
वीडियोस आप मुझे शेयर करके बताना चाहते हैं कि आपको कैसी प्रॉब्लम है और उसका प्रॉपर सोल्यूशन चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। मैंने अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स की ऐसे हेल्प की, आपकी भी जरूर करूंगी। मैंने अपने इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है और नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहे और आपको स्किन और हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।